कैसे हो आप सब। एक बार फिर स्वागत है ट्रिपल आर रणवीर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, दबंग सीरीज के मैं 4 पार्ट डाल चुका हूँ। आज लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल दबंग सीरीज का पार्ट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ ए सिविल इंजीनियर। स्टील, मैं आज आपको सरिया के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब मैं आपको आज स्टील के बारे में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डाया ऑफ स्टील, मतलब सरिये के कितने एमएमएम के डाया होते हैं, कितने एमएम में हमारा सरिया आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने लिखा है 6 एमएम में आता है, 8 में, 10 में, 12, 16, 20, 25, 28, 32 और 36, इससे ऊपर भी आता है। बाकी आपके जो मोस्टली जो बिल्डिंग में यूज होते हैं वो मैन ये हैं जो मैंने आपको बताए, 36 तक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम, मतलब एक कॉलम में कम से कम कितने एमएम का सरिया हम यूज कर सकते हैं। कितने का है? 12 एमएम का। एक कॉलम में कम से कम आपको 12 एमएम का सरिया यूज करना है। ये 8, 10, 6 एमएम का कॉलम में बिल्कुल नहीं चलता, कम से कम 12 एमएम का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज्ड इन राउंड कॉलम, जो अपना गोल वाला जो कॉलम होता है, समझिए ये गोल कॉलम है सर, इसमें हम कम से कम सरिया जो यूज करते हैं वो 6 पीस कम से कम होने चाहिए। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये आपका क्या है, ये प्लान है। ये हम जब ऊपर से देखते हैं किसी चीज़ को, आप ऊपर से कॉलम को देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, वो राउंड शेप में दिखाई देगा, उसमें 6 ये डॉट दिखाई देंगे, ये आपके सरिये हैं। समझ गए दोस्तों, तो एक राउंड कॉलम में कम से कम अपने 6 सरिये होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज्ड रेक्टेंगल स्क्वायर कॉलम। देखिए आयताकार, रेक्टेंगल का मतलब, स्क्वायर मतलब हो गया चौकोर। इस कॉलम में कम से कम हम जब सरिया यूज करेंगे तो कम से कम 4 पीस होने चाहिए हमारे। ठीक है, देखिए ये अपना हो गया रेक्टेंगल, 1, 2, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, कम से कम 4 सरिया होने चाहिए। ये रेक्टेंगल हो गया, ये जिसके 4 भुजाएं होगी ये हो गया आपका स्क्वायर, 1, 2, 3 और ये 4। तो कम से कम एक रेक्टेंगल और स्क्वायर कॉलम में 4 सरिये कम से कम होने चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बिटवीन 2 चेयर्स स्पेसिंग, मतलब स्लैब का जब हम सरिया बांध देते हैं, जैसे ऐसे हमने, समझो आप सिंपल लैंग्वेज में, ये देखो ये हमने ऐसे एक स्लैब का सरिया बांध दिया ऐसे, ठीक है, एक स्लैब का ये सरिया बांध दिया, चौकोर सरिया बांध दिया समझिए, उसमें एक चेयर लगाते हैं। चेयर हमारे कैसे होती है, देखिए मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ये वाला। चेयर हमारे कैसे होती है, देखिए ऐसे 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 इस टाइप की चेयर होती है हमारी। तो ये कम से कम कितने स्पेसिंग पर लगती है चेयर, ये 1 मीटर पर। ऐसे एक चेयर सरिया के नीचे आपने यहाँ पे लगा दी ऐसे करके, इसके नीचे दिखेगी आपको ये, पर एक चेयर कम से कम इतनी दूरी पे, इन दोनों का जो गैप है दोनों चेयरों का 1 मीटर कम से कम होना चाहिए बीच में। ठीक है, 2 चेयर के बीच की स्पेसिंग कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम बार यूज्ड इन स्लैब, मतलब कम से कम कितने का डाया हम सरिया स्लैब में यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम जो हमारा 8 एमएम का डाया हम अपने स्लैब में यूज कर सकते हैं, स्लैब जब बांधते हैं तो उसमें कम से कम हमारा 8 एमएम का सरिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, लैप लेंथ एनी स्टील डाया अकॉर्डिंग टू
50D। देखिए लैप लेंथ क्या होता है, समझिएगा, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम का एक सरिया है, कॉलम का इतना ले लीजिए, कॉलम का सरिया है। लैप लेंथ होता है, यहाँ से हम इस पे जब ऐसे चढ़ा करके लैप लगाते हैं, दूसरा सरिया बांधते हैं, दूसरा सरिया, ठीक है, दूसरा सरिया, ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है, जैसे एक सरिया ये हो गया, ये दूसरा सरिया हमने इस पे, ये पहला सरिया मान लीजिए, ये पहला एक नंबर। अब हम इस पे दूसरा सरिया लगाएंगे लैप के लिए, नंबर दो। तो ये वाला जो हिस्सा है, बीच का हिस्सा, ये 50D के हिसाब से होना चाहिए। 50D, 50D मतलब जैसे हमारा 20 mm का स्टील है, 20 mm का हमें ये कॉलम का सरिया लगाना है, इसलिए 20 mm का, ठीक है। तो 50D इसका कितना हुआ, 20 × 50, 50 से इसे मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ लिखा हुआ है 1000 mm। तो ये जो हमारा लैप है, ये वाला बीच का जो गैप है, ये वाला, ये कम से कम 1000 mm होना चाहिए, समझ गए दोस्तों। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।